नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। जम्मू बस हादसे में घायलों की जानकारी के लिए बिहार पुलिस ने जारी किया टोल फ्री नंबर। बिहार में 34,741 पुलिस कर्मियों की होगी बहाली। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आंदोलन की करेंगे तैयारी। सीएसके की जीत के बाद रविंद्र जडेजा का धोनी को एक और तोहफा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के तहत आयोग के द्वारा प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल टीचर के कुल 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी जारी किए गए विज्ञापन को भी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बीएसईबी ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए आज से चयन प्रक्रिया शुरू। बिहार बोर्ड के द्वारा वर्ष 2023 के लिए ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि इस प्रतियोगिता के तहत पहले चरण में प्रतिभागियों का चयन स्कूल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। वहीं स्कूल प्राचार्य के द्वारा चयन किए गए प्रतिभागी ही जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होंगे और फिर जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर ओलंपियाड में भाग लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। मालूम हो कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस ओलंपियाड का आयोजन 3 विषयों में किया जाएगा, जिसमें विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय शामिल होंगे। बता दें कि फिलहाल जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय ओलंपियाड के लिए तिथि की घोषणा बिहार बोर्ड के द्वारा बाद में की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में लिखित परीक्षा के आधार पर होगी एएनएम की बहाली। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत बिहार के सरकारी अस्पतालों में एएनएम की बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसके साथ ही बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा एएनएम के कैडर में भी बदलाव कर दिया गया है। मालूम कि पहले जहां एएनएम का जिला स्तरीय कैडर हुआ करता था, वहीं अब इसे बदलकर स्टेट कैडर कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। बिहार के कटिहार में एनआईए का छापा। एक बार फिर से पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर एनआईए की टीम के द्वारा आज सुबह से ही बिहार के कटिहार के हसनगंज थाना क्षेत्र के मुजफ्फर टोली वंश नगर में आरोपी महबूब आलम की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आरोपी महबूब आलम की तलाश में 3 थानों की पुलिस की टीम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चौथी बार है जब एनआईए की टीम पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर सर्च अभियान चला रही है। इस बारे में एसडीपीओ ओम प्रकाश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल को लेकर आज ये कार्रवाई एनआईए के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर कुछ तत्काल बताना जल्दबाजी होगा, वरीय अधिकारियों से निर्देश मिलने पर जानकारी शेयर की जाएगी। पटना में मनाई गई आचार्य किशोर कुणाल के शादी की 39वीं सालगिरह। बीते दिन 30 मई को बिहार की राजधानी पटना के होटल मौर्य में महावीर मंदिर न्यास के सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल और उनकी धर्मपत्नी अनिता कुणाल की 39वीं सालगिरह मनाई गई। बता दें कि उनकी शादी 30 मई 1974 को हुई थी। बता दें कि बीते दिन हुए उनके शादी कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री सुनील कुमार, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री जमा खान समेत कई लोग शामिल रहे। मालूम हो कि इस दौरान सभी के द्वारा आचार्य किशोर कुणाल और उनकी धर्मपत्नी अनीता कुणाल को सालगिरह की बधाई और शुभकामनाएं दी गई। जम्मू बस हादसे में घायलों की जानकारी के लिए बिहार पुलिस ने जारी किया टोल फ्री नंबर। बीते दिन की सुबह श्रद्धालुओं से भरी अमृतसर से कटरा के लिए जा रही बस कोटली इलाके में खाई में गिर गई, जिससे कि बिहार के 10 लोगों की उसमें जान चली गई और साथ ही कई लोग घायल भी हो गए। बता दें कि अब घायल हुए व्यक्तियों की जानकारी लेने के लिए बिहार पुलिस की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा ट्वीट करके दी गई है। मुख्यालय के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि किसी भी तरह की सूचना या असहायता के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष नंबर 0612-229-4319 और जम्मू कश्मीर पुलिस के नंबर 0191-254-2000 या 254-2001 पर संपर्क किया जा सकता है।
सुधा के टैंकर से दूध की जगह मिली शराब। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब से जुड़ी खबरें सुनने को मिलती रहती है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के पूर्णिया का है, जहां शहर से सटे कस्बा प्रखंड की पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर छापेमारी करते हुए सुधा के टैंकर से दूध की जगह 1182 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस के द्वारा इसे अपनी उपलब्धि बताई जा रही है, मगर झारखंड, बंगाल और नेपाल के बॉर्डर से पूर्णिया की अच्छी खासी दूरी होने के बावजूद भी शराब तस्करों के द्वारा सैकड़ों थानों की पुलिस को चकमा देकर शराब की खेप यहां तक ले आई जा रही है। बीएसएससी सीजीएल रिजल्ट हुआ जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में हैं जिन्होंने बीएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में भाग लिया था, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में कुल 6,00,000 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 11,240 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ऐसे में अब इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएससी सीजीएल के पहले चरण की परीक्षा आयोग के द्वारा 5 मार्च को आयोजित की गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 900 करोड़ का निवेश करेगा अदानी ग्रुप। बहुत जल्दी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में अदानी ग्रुप के द्वारा 900 करोड़ का निवेश करते हुए अंबुजा सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रिंस पाइप्स 146 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाला है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बियाडा की पीसीसी ने आज 14 इकाइयों को जमीन आवंटित की, जिनमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावित निवेश हुए, जिसमें आईए महाबल मोतीपुर मुजफ्फरपुर में ग्राइंडिंग यूनिट के लिए अंबुजा सीमेंट्स अदानी ग्रुप 900 करोड़ और आईजीसी बेगूसराय में प्रिंस पाइप्स 146 करोड़। आपदा की पढ़ाई के लिए तैयार होंगे मास्टर ट्रेनर। बहुत जल्दी राज्य के विश्वविद्यालयों में यूजीसी के निर्देश के बाद इस सत्र से आपदा की पढ़ाई की शुरुआत की जाने वाली है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे, जिसके बाद प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालयों में आपदा की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जाएगी। बता दें कि इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 2-2 मास्टर ट्रेनर के नाम मांगे गए। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कहा गया है कि भूगोल, भूगर्भ शास्त्र और आपदा राहत कार्य से संबंधित विषय के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने में प्राथमिकता दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अभी विश्वविद्यालयों में सर्टिफिकेट, फाउंडेशन व पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आंदोलन की करेंगे तैयारी। एक तरफ जहां बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन अब तक जारी हैं। बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह व महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा विभाग और आयोग के बीच बैठक का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक अध्यापक नियमावली 2023 की विसंगतियों के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कि शिक्षकों में काफी असंतोष है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अब परीक्षा की नहीं बल्कि आंदोलन की तैयारी करेंगे, क्योंकि अध्यापक नियमावली रोजी रोटी छीनने की साजिश है। सीएसके की जीत के बाद रविंद्र जडेजा का धोनी को एक और तोहफा। आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा रविंद्र जडेजा के बल्ले से निकले 2 शॉट्स की मदद से अपने नाम कर लिया गया। वहीं शानदार जीत के बाद रविंद्र जडेजा के द्वारा ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें वो एक तस्वीर में अपनी वाइफ और धोनी के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में वे धोनी के साथ आईपीएल ट्रॉफी के साथ नजर आ रहे हैं, तो तीसरी तस्वीर में रविंद्र जडेजा धोनी की गोद में नजर आ रहे हैं। बता दें कि रविंद्र जडेजा के द्वारा इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा गया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी के लिए कर दिखाया, माही भाई आपके लिए तो कुछ भी। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फोटो भी बदल दिया है। मालूम हो कि अब उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो में वो तस्वीर लगाई है जिसमें धोनी उन्हें गोद में उठाते नजर आ रहे हैं। बिहार में 34,741 पुलिसकर्मियों की होगी बहाली। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए 34,741 स्वीकृत पदों के विरुद्ध बहाल होने वाले पुलिसकर्मियों को जिला आवंटन कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए जिला आवंटन के अनुसार सबसे अधिक 3,098 पद पटना जिला को आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही गया जिले को 1,407, रोहतास जिले को 1,116, मुजफ्फरपुर जिले को 1,112 और पूर्णिया जिले को 972 पदों का आवंटन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जारी किए गए 34,741 पदों में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिस पदाधिकारी व कर्मी शामिल है। मालूम हो कि जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार पुलिस बलों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत संचालित डायल 112 सेवा के प्रथम फेज के लिए 7,808 पद, जबकि दूसरे फेज के लिए 19,288 पदों की मंजूरी दी गई है।
सीएम नीतीश की मीटिंग के बाद होगी पीएम मोदी की रैली। एक और जहां ऐसी खबर चल रही है कि बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के 9 साल पूरे होने के खास मौके पर बीजेपी के द्वारा 30 जून तक खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत विपक्षी मीटिंग के बाद जून महीने में बिहार में बीजेपी की ओर से 4 बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें से एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। वहीं बाकी बचे 3 रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य बड़े नेता हिस्सा लेंगे। मालूम हो कि इस दौरान लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताना है और साथ ही यह भी बताना है कि बिहार की नीतीश सरकार ने अपने अहंकार में क्या क्या काम होने से रोका है। इसके अलावा इस जनसभा में महागठबंधन समेत सीएम नीतीश पर बीजेपी के द्वारा जमकर हमला बोला जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी की गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.56 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है के सिन्हा, उमेश ऋषिदेव, कुमारी संजना, मंजय कुमार, नुनु गोलू कुमार, सदुल्ला पलवी, मुट्टू रंगीला, कमलेश शर्मा, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद अफजल मंसूरी, वेद प्रकाश सिंह, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार महागठबंधन की सरकार आने से राज्य में नई नियुक्तियों में बढ़ोतरी देखी गई है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।